अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। उसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली हूँ, इसे साफ धो लिया है। सालन बनाने के लिए हमारे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, उसमें हमने 2 चम्मच अखी धनिया ली हूँ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई दाना, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, ये लाल मिर्ची है, अखी तीखा हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, हमारी मिर्ची 7 से 8 है, 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी हम बारीक काट लेंगे, और ये लहसुन अदरक है 1 बड़ा टुकड़ा, और लहसुन हमारा 7 से 8 है। टमाटर को हम बारीक काट कर एक साथ इसे हम पीस लेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज की प्याज, मेथी दाना 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ती 4 से 5, 2 हरी मिर्च है, इसे 2 टुकड़ों में मैंने कर लिया है। इसमें हमें आलू चाहिए, आलू हमारे 2 मीडियम साइज़ के थे, इसके हमने इतने बड़े साइज़ के काट लिए हैं। आलू हम स्किप भी कर सकते हैं अगर जो नहीं चाहिए। इसके बाद हम अपनी मछली फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम अपनी मछली फ्राई लेंगे। हमने चावल का आटा और ये गेहूँ का आटा दोनों को मिक्स कर लिए हैं। हम अपने चावल के भी आटे में अपनी मछली फ्राई कर सकते हैं, गेहूँ में भी, जो भी आपके पास हो। इसमें हम मछली को इस तरह डालेंगे, इसके बाद हम अपनी मछली फ्राई करेंगे। इससे हमारी मछली एकदम क्रिस्पी बनेगी। सारी मछली को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे, एकदम गोल्डन फ्राई। हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम भूनती करेंगे। मछली हमारी एकदम गोल्डन फ्राई हो जानी चाहिए, गोल्डन कलर आना चाहिए। ये देखिए हमारी मछली अब गोल्डन फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, बिल्कुल हमें ऐसे ही कलर चाहिए। बाकी की सारी मछली हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, ये देख सकते हैं, ये वही तेल है जिसमें हमने अपनी मछली फ्राई किए थे। अब इसमें हम अपना ये तड़का देंगे। पहले हम ये राई दाना डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, तो मेथी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ये कड़ा पत्ता डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इतनी ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आलू भी साथ में फ्राई करना है। इसके बाद हम ये अपनी हरी मिर्च डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें अपना आलू डाल देंगे। आलू के साथ साथ हमारी प्याज भी गोल्डन फ्राई हो जाएगी।
लेते हैं हम। 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, बीच में इसे चेक कर लेंगे। अरे आलू फ्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं। प्याज भी हमारी गोल्डन फ्राई हो गई, आलू भी। अब इसमें हम ना ये पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सी जार में पानी डालकर अच्छे से मसाले को निकाल लेंगे। अपना मसाला अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। इसे हम डाल देंगे, बीच बीच में चेक कर लेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। अब हम अपना मसाला चेक करेंगे, ये देख सकते हैं तेल भी ऊपर आने लगा है हमारा मसाला। ओके, अब इसके बाद हम इसमें ये अचार का मसाला डालेंगे। इसमें एक अचार भी है और उसका मसाला हम लेंगे डाल देंगे। इससे मछली का टेस्ट और भी बढ़िया आ जाएगा। हमारी मछली एकदम चटपटी, हमारा सालन बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। आपके पास अचार नहीं उसका मसाला तो हम इसमें खटाई भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे धीमी आंच पर, ताकि हमारा आलू भी अच्छे से पक जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। और 5 मिनट हो चुका, अब हम अपना मसाला चेक करेंगे। देख सकते मसाला भी अच्छे से पक गया, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम अपना सालन लगाएंगे। सालन हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना नमक टेस्ट कर लेंगे। हमारा नमक कम है, इसमें हम आधा चम्मच नमक और डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें अपनी मछली डाल देंगे। सालन अब रख चुका है, इसमें हम इसके बाद ये धनिया पत्ती ऊपर से डाल देंगे। और मछली का सालन अब तैयार है। बहुत ही झटपट तैयार होने वाला है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे, फिर इसे हम सर्व कर बताएंगे। देखिए हमारी मछली का सालन अब तैयार है। हमारा मछली का सालन बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।